हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस तो अभी जो एक्टिविटी चल रही है इसके अंदर हम जे मेन टू थाउजेंड नाइनटीन के जो एट क्वेश्चन पेपर्स हैं इनके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं सो so दैट आपका जो जेई मीन टू थाउजेंड नाइनटीन अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगा इसमें थोड़ा और अच्छा स्कोर जो बन सके आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे तो आप इनसे कुछ लर्न करिए अपने जो है प्रिपरेशंस को और बूस्ट करिए रिवाइज करिए ठीक है तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो टेंथ जनवरी इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है इसके कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन इज एक हमारे पास में डाई कीटो एस्टर गिवन है और इसको एन के साथ हम हीट कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये हमें देखना है तो यहाँ पे एक ये डाई कीटो एस्टर है तो डाई कीटो एस्टर के अंदर देखिए पहले तो सबसे पहले आप ये सोच सकते हैं कि कोई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है तो अगर वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन हो सकती है तो पहले आप वही करा दीजिए उसके बाद में आपको सोचना है कि कोई क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ तो फिर कुछ आइडिया देते हैं आपको कहाँ से क्या करना है ये हमारे पास में जो एक स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये जो एन का कर रहा है तो तो कहीं पे भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन एटम है तो ये उसको रिमूव कर लेगा तो ये आपके पास में जो कीटोनिक ग्रुप्स हैं इन कीटोनिक ग्रुप्स के जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये एसिडिक है तो ये हमारे पास में वेरियस लोकेशंस हो गई एसिडिक हाइड्रोजन एटम के लिए तो यहां पे एक का अल्फा हाइड्रोजन एटम निकल के दूसरे के जो है सी डबल बॉन्ड ऊपर जाकर के अटैक कर सकता है तो यहाँ पे ये जो है सिचुएशन इसको अगर देखते हैं तो ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नजर आ रहा है ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ये यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहां से अगर हम एक एच प्लस आइन रिमूव कर देते हैं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर ये एच प्लस आइन बाहर चला जाता है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा तो अब एक यहां पे परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है इंट्रामोलिक्युलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप सिचुएशन हम हीट भी कर रहे हैं इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन डेफिनेटली हो जाएगा अदरवाइज हम पहले एल्डोल एल्डोल रिएक्शन के बारे में सोचते तो ये इंट्रा कंडेंसेशन टाइप की सिचुएशन जो है हमें नजर आ रही है तो अब देखना आपको कहां से क्या जाएगा तो ये जो हमारा हाइड्रोजन आइटम है अब मैं ये सब जो हटा देता हूं हमें पता लग गया है कि फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर रिंग हमें बनानी होती है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है यहां से बाहर निकलेगा H प्लस आइन की तरह C माइनस बनेगा और वो C माइनस इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा तो ये C माइनस इस कार्बन पर अगर अटैक कर जाएगा तो एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन होगा इस रिंग की साइज को देखेंगे तो ये फर्स्ट एटम है ये सेकेंड एटम है ये थर्ड एटम होगा ये फोर्थ एटम होगा और ये फिफ्थ एटम हो जाएगा तो एक फाइव मेंबर रिंग बन गई फाइव मेंबर रिंग के साथ और यहां पे ये जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ था ये एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट एटम और फिफ्थ एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाने का अगर आपको लगता है कि ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन हो रही है तो ये हमने फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ और जो हमारा फोर्थ कार्बन है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा रहेगा और जो फिफ्थ कार्बन है इस पे पे ग्रुप लगा रहेगा तो ये जो है यहां पे एक है एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अदर्स पॉसिबिलिटीज को भी आप कंसिडर कर सकते हो एक जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो भी यहाँ पर जाकर के अटैक कर सकता है और एक प्रोडक्ट बन सकता है यहां से एक एच प्लस निकला c- बना और वो c- यहाँ पे जाकर अटैक कर, कर सकता है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी बट ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन है एस्टर्स के जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं एस्टर्स के अल्फा हाइड्रोजन एटम्स लेस एसिडिक होंगे और ये जो कीटोन वाला जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम है मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे हमने इसको कंसिडर कर लिया या फिर आप यहाँ से ये भी मोर एसिडिक है यहां से निकाल के इस पे अटैक करा सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव बट ये वाला जो कार्बन है हमारा ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक है कीटोन एंड एलडीआईड्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक देन एस्टर्स तो इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है इसी स्लाइड पे एक और क्वेश्चन आपको नजर आएगा उसको देखिए विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स के अंदर जो एक तो अमीन फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है अदर एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि ये कौन कौन से हमारे पास में है, जो है अमीनो एसिड्स है इन जनरल अगर हम देखते हैं किसी अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए एक हम निइड्रीन टेस्ट करते हैं इड्रेन प्रोड्यूस पर्पल कलरेशन जेंथोप्रोटिक टेस्ट भी हम अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं ये बेसिकली उन अमीनो एसिड्स के साथ होता है जिनके अंदर फिनाइल रिंग होती है और अमाइड्स के लिए होता है Polyamides को डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए बाईय टेस्ट करते हैं ये जो बार फोर टेस्ट है बार फोर टेस्ट जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है ये आप लैब मैनुअल को चेक करिएगा लैब मैनुअल के अंदर जो है एक लिस्ट गिवन होगी वेरियस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने की उसमें से एक क्वेश्चन ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए रिएक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लेशन मैकेनिज्म इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज अगेन ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया इन क्वेश्चन को तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी यही इंक्लूड कर लिया हमने नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आइडिया क्या होगा आइडिया ये है कि ओजोन लेयर डिप्रेशन की मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो उसमें जो हर स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसमें एक रेडिकल पड़ता है ये रेडिकल चेन रिएक्शन की तरह रिएक्शन को कंटिन्यू करता रहता है और मेजरली उसके अंदर जो है क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं या क्लोरीन कंटेनिंग रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें कहीं पे भी कोई रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ठीक है इसमें ओजोन यूज हो रहा है लेकिन ये ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो फोटोकेमिकल स्मोक के प्रिपरेशन के लिए यूज होती है फोटोकेमिकल स्मोक के रेस्पॉन्स स्मोक के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन है बाकी रिएक्शन टू को देखेंगे तो इसमें क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हो गया रिएक्शन थ्री के अंदर भी क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हो गया रिएक्शन फोर में भी क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हो गया और भी है आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन की मैकेनिज्म को पढ़िए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और भी पॉसिबिलिटीज है तो क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर जो है हमारा वन ऑप्शन जो है

और वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो यहाँ पे जो है हम एल्कलाइन केमेनोफोर को यूज़ करके इसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बट एक दिक्कत हो जाएगी एल्कलाइन केमेनोफोर जो है सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज़ कर देगा और डबल बॉन्ड का भी हाइड्रोक्सीलेशन कर देगा आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आइडोफॉम रिएक्शन हो गई आइडोफार्म तो रिएक्शन आपको पता है किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है कोई भी सी एस थ्री सी एच ओ एच आर टाइप का कंपाउंड है उसमें आइडोफार्म रिएक्शन हो जाएगी और इस आइडोफार्मिय रिएक्शन का जो रिएजेंट है उसमें कोई भी रिएजेंट ऐसा नहीं है जो डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता है नेक्स्ट को अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में सी आर ओ टू सी एल टू सी एस टू है क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड प्लस एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो एलकोल के ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं बट पे का ऑक्सीडेशन होगा वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा जो इस जो इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा में यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तो इस क्वेश्चन के अंदर बेस्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन नंबर थ्री हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए एक अगेन हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हमें मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है ये पॉलीमर टाइप का क्वेश्चन आ गया तो पॉलीमर टाइप के क्वेश्चंस को हमें देखना है तो आप इस क्वेश्चन को चेक करिए मैं तब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे तो ये जो हमारे पास में एक रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट के अंदर जो वेरियस ग्रुप्स है उनको अगर हम देखेंगे तो ये एक हमें यहां पे एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है और यहां पे ये एक जो है, है मिथाइल फिनाइल ईथर है और जिसके साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं वो डाइल्यूट एल है तो सबसे पहले तो देखिए डाइल्यूट एथसियल का इस मिथाइल फिनाइल ईथर पर कोई एक्शन नहीं होगा ये तो एज इट इज ही रहेगा ये तो एज इट इज ही रहेगा लेकिन जो एस्टर्स है वो डाइल्यूट एसिड के कांटेक्ट में आने से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड के कांटेक्ट में आने से भी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे क्योंकि एस्टर का हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर होगा वाटर का मतलब डाइल्यूट होगा ही होगा और एसिड है तो कैटलिस्ट का भी काम करेगा तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है हमारा बाहर चला जाएगा और इस ग्रुप के बाहर जाने से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये मिथॉक्सी ग्रुप एज इट इज लगा रहेगा और एस्टर का हाइड्रोलिसिस आपको पता है कि एसाइल टाइप की रिएक्शन होती है इसको यहाँ से ब्रेक करो यहाँ पे एच लग जाएगा और यहाँ पे ये यह जो भी हमारा एन आइन अवेलेबल होगा सी एल या वाटर वो लग जाएगा और ये आ गया इधर ओ OH। एच ये एक बाई फंक्शनल कंपाउंड जनरेट हो गया अब इस बाई फंक्शनल कंपाउंड को हम इसके साथ रिएक्ट करा रहे ये एक जो है ऑक्सैलिक एसिड है ये भी बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी इस के साथ रिएक्शन को अगर हम विजुलाइज करेंगे तो एक एस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है तो एक तो एस्टर ग्रुप एज इट जा इज जा आ जाएगा और दूसरा जो है यहां पे एक रिपीटिंग यूनिट की तरह रहेगा तो यहां पे जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो अब हमें चेक करना है कि जो आप रिपीटिंग यूनिट बनाओगे वो किसका किसके साथ होगा तो इसके साथ अगर हम देखेंगे तो एक स्टेरिक क्राउडिंग टाइप का क्रिएट होगा तो ये यह यहां से जो है हम कह सकते हैं कि इधर जस्ट हमारा ओ रह गया और इधर ये ओ सी एस थ्री रहेगा ही रहेगा और ये वाला जो ओ है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर जा करके के अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर जा करके के अटैक करेगा तो फिर ये एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगेगा तो यहाँ से ये ग्रुप आ जाएगा और ये जो है रिपीटिंग यूनिट बन गई है ये रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया है इस टाइप का जो है हमारा एस्टर बनेगा लेकिन ये जस्ट मैंने इतना पार्ट बनाया इसका एक पार्ट छूट गया है पीछे रह गया है क्योंकि ऑप्शन को आप देखोगे तो उसमें कोई ये पार्ट नजर नहीं आएगा इधर से तो ये रख जाएगा इसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उस नेबरिंग मॉलिक्यूल का ओ जो है इधर अटैक करेगा और ये यहां से बाहर जाएगा तो ये हमारा एग्जैक्ट जो है रिपीटिंग यूनिट बनेगा क्योंकि यहां से ओ जाएगा और उधर से एच OH जाएगा और इधर से एच जाएगा सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ रिपीटिंग यूनिट सॉरी एक और रह गया ओ क्या बना रहा हूं मैं बार बार गलत बना रहा हूं यहां से ये जो है ओ के थ्रू अटैक करेगा ओ के थ्रू अटैक करेगा और ये ओ OH एच जो है बाहर जाएगा तो ये ओ रह जाएगा हमारा और ये सी डबल बॉन्ड ओ आएगा और फिर सी डबल बॉन्ड ओ और आ जाएगा वापस है, आराम से देख लीजिए कि ये जो ओ है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इस पे होगा और ये ओ एच OH यहाँ से बाहर चला जाएगा जैसे हाइड्रोलिसिस में भी एसाइल ग्रुप बाहर चला जाता है यहां से भी जो है एसाइल ग्रुप अंदर आ जाएगा ओ OH एच जो है बाहर चला जाएगा इसके लिए तो ये रिपीटिंग यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगी इसको चेक कर लीजिए कि ये रिपीटिंग यूनिट जो है वो कहां पर है इससे इस टाइप से, इस से बनाने से इसका जो स्टेरिक क्राउडिंग इसके साथ भी कम है इसके साथ भी स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा यहाँ पे तो ये आपको ऑप्शन नंबर टू में नजर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम वॉट इज द आयु पैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इट्स वेरी इजी सो वी स्टार्ट नंबरिंग आइदर फ्रॉम डबल बॉन्ड बियरिंग कार्बोनेटम और फ्रॉम ब्रोमिन बियरिंग कार्बोनेटम सो वी हैव टू

इस रिएक्शन के अंदर एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और एक इमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो इस कीटोनिक इमाइन फंक्शनल ग्रुप को अगर हम चेक करेंगे कौन सा रिड्यूस हो सकता है तो देखिए ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर ये जो NaBH4 है NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये जो है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है इट इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सभी टाइप के फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है अब इसके अंदर जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर एक ये कीटोनिक ग्रुप है दैट इज रिड्यूसेबल इसमें एक ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दैट इज रिड्यूसेबल और इसमें एक ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो रिड्यूसेबल बट डबल बॉन्ड जो है इस एन से रिड्यूस नहीं हो सकता है कैन नॉट बी रिड्यूस तो ये तो प्रोडक्ट जो बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा एंड एन ए बी एच फोर कैन इजिली रिड्यूस एल डी हाइड एंड कीटोनिक टाइप ऑफ सी डबल बॉन्डो कैन इजिल रिड्यूस एल डी हाइट एंड कीटोनिक टाइप ऑफ सी डबल बॉन्डो जैसे हमने पहले भी मैंने किसी एक स्लाइड में बताया होगा आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो कीटोन और एल्डिहाइड के जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ठीक है ये कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ये एक टाइप से सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो ये इनका सेम टाइप की केमिकल बिहेवियर होगा सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ये ध्यान रखिएगा इसको तो जो इसको रिड्यूस कर सकता है वो इसको भी रिड्यूस कर सकता है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसका जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पे जो है ये एच जाएगा इधर माइनस आएगा एच प्लस लग जाएगा तो ये सेकेंडरी अमीन में रिड्यूस हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो ये सी एच थ्री हो गया नाउ इट बिकम एन एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू 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 ये हो गया हमारा और सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू को कर देंगे और ये डबल है तो तीन साइड थी उनमें से एक ये यहां पे हमने रिडक्शन किया है और एक हमने ये यहां पे रिडक्शन किया है इनको आप चेक करिए कि अपने ऑप्शन के अंदर आपको ये कहाँ नजर आ रहे हैं तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन होना है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होना है तो दोनों रिड्यूस हो रहे हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर और वो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर टू के अंदर Now, जो नेक्स्ट स्लाइड है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मला सी सेवन एच सिक्सटीन एच सिक्स ओ टू ऑन

देखिए ये जो हमारे पास में एक सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन है जिसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड गिवन है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लू जो यहाँ पे गिवन है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो पहले तो आप सारे ऑप्शन को देख लीजिए एरोमेटिक है या नहीं तो सारे ही एरोमेटिक है देखिए आप अपने स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे सब में बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है और एक जो है फ्यूरोन टाइप की रिंग भी दिखाई दे रही है तो इस ऑप्शन को तो हम रूल आउट कर देते हैं फिर इसमें डिग्री ऑफ अंसेचुरेशन अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सेवन कार्बन की एल्केन होती है उसका फॉर्मूला एच सी सेवन एच सिक्सटीन होता है सिक्सटीन माइनस सिक्स टेन हो जाएगा अपॉन टू फाइव तो इसमें फाइव डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है फाइव डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है तो स्ट्रक्चरल फीचर्स को अगर हम देखेंगे तो एक बेंजीन रिंग और एक डबल बॉन्ड जो है हमारे पास में और हम स्ट्रक्चर में कंसिडर कर सकते हैं ये अपने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का कॉन्सेप्ट पड़ा होगा इससे हमें स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने में ईजी रहता है हम और भी ऑप्शन दे सकते हैं जैसे यहां पे जो मेरे पास में एक डी ऑप्शन है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को अगर जस्टिफाई करना होगा तो एग्जामिनर जो है वो कैसे ही जस्टिफाई कर देगा ठीक है बट मोस्ट ऑफ दी केसेज में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा हमारा प्रोडक्शन होगा यहां पे अगर देखेंगे तो एक रिंग है और दो डबल बॉन्ड है थ्री डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फोर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइव डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो ये जस्ट एक हिंट है जरूरी नहीं है कि इससे हम कोई स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा होमवर्क है अब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो अमोनिया के साथ एल्डिहाइड भी रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करते हैं बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्लू है एक एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो इसका मतलब ये कोई एक एसिडिक कंपाउंड है इजीली रिएक्ट कर जाएगा एल्डिहाइड को एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड एज ए कैटलिस्ट तो ये जो है हम एल हाँ वाला ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के ऑप्शंस में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया गया है और फिर हीट किया जा रहा है तो ये सेवन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको नजर आता है कहीं पे भी तो ये जो है बेंजॉइक एसिड ही होगा तो ये बन गया हमारा बेंजॉइक एसिड इस बेंजॉइक एसिड को एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये अमोनियम बेंजोइट प्रोड्यूस होगा एसिड बेस रिएक्शन से अमोनियम बेंजोइड को जब हम हीट कर देंगे तो ये बेंजिनामाइड बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस अमाइड और अमाइड जो है बी आर टू मोलिकुलर ब्रोमिन और केवएच के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हॉफमेन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आएगी और हॉफमेन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मुला देखेंगे तो ये सिक्स कार्बन एटम है फाइव एंड टू सेवन हाइड्रोजन एटम और एक नाइट्रोजन है तो प्रोडक्ट कंपाउंड ए जो है हमारा वो बेंजोइक एसिड होगा इस रिएक्शन के अंदर नेक्स्ट स्लाइड को देखिए यहाँ पे करेक्ट मैच बिटवीन आइटम वन एंड आइटम टू आइडेंटिफाई हमें करना है तो ये वेरियस केमिकल टेस्ट जो है गिवन है आइटम वन में कंपाउंड गिवन है और आइटम टू में रिएजेंट्स गिवन है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड लाइसिन लाइसिन में हमें पता है कि एक जो है एक्स्ट्रा अमीन फंक्शनल ग्रुप होता है

ये लैब मैनुअल को आप देखेंगे तभी आपको पता लगेगा तो देखिए जो लाइसिन है वो एक अमीनो एसिड है ऐसे कह सकते हैं तो उसके लिए निन हाइड्रीन टेस्ट हो जाएगा आइटम टू के अंदर क्यू के साथ जो है हमारा ए मैच करेगा डेफिनेटली बिकॉज ये हमारा अमीनो एसिड का टेस्ट है फिर हम ये कह सकते हैं कि बेंजाइल एल्कोहल के लिए हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट यूज कर सकते हैं सारे एल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं और स्टाइरिन के अंदर जो है हम यूज करेंगे केमेनोफोर बेयर्स रिएजेंट टेस्ट तो डी के अंदर जो है हमारा आर हो जाएगा और आप अगर देखेंगे तो डी के अंदर आर जो है ए की ऑप्शन में नजर आ रहा है क्योंकि और कोई बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होगा स्टाइरिन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है के अंदर एक बेंजीन रिंग है और एक साइड चेन पे विनाइल ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड के लिए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बेयर्स रियजेंट यूज करेंगे कोल्ड एल्कलाइन केमेनो यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज कर सकते हैं तो डी डेफिनेटली आर के साथ ही मैच होगा और किसी के साथ डी जो है मैच नहीं होगा यहाँ पे तो उसके बेसिस पे ए लाइसिन को डिटेक्ट करने के लिए निनहाइड्रीन यूज़ करेंगे बी फर्फ्यूरल एज आई टोल्ड यू इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लूकोज को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब एल्फ़ा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज फर्फ्यूरल टाइप कम्पाउंड सो ए के साथ जो हो गया हमारा निनहाइड्रीन हो गया बी के साथ एल्फा वन नेफ्थोल हो गया और सी के साथ सेरिकमोनियम नाइट्रेट हो गया और डी के साथ केमिनोफोर हो गया है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वॉट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग मोनो नाइट्रेशन रिएक्शन तो ये एक हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड गिवन है इसमें दो रिंग्स गिवन है इन मोनो नाइट्रेशन करने से किस रिंग पर अटैक होगा और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देख लेते हैं

एनओ टू प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किसी भी न्यूक्लियोफिलिक साइड पर जाकर के अटैक कर जाएगा बट अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पे जो है पार्शल पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो एक ग्रुप हमारा बना हुआ है यहाँ पे ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग टाइप का ग्रुप है इस रिंग को फर्दर रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर रहा है या हम कह सकते हैं कि इट इज डीएक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डीएक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बट ये जो हमारे पास में नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो रिंग के अंदर ट्रांसफर हो सकता है रिंग के अंदर जब जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से हम ये कहेंगे दिस रिंग इज एक्टिवेटेड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एक्टिवेटेड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए ये जो है वो एक्टिवेट हो गया तो अब देखिए यहाँ पे तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा इस रिंग पर जाएगा तो ये मेजर साइट हो जाएगा अटैक के लिए और इसमें भी वेरियस पोजिशन को अगर हम चूज करेंगे तो एक हमारे पास में ये पोजिशन से जहां पर अटैक हो सकता है एक ये पोजिशन से जहां पर अटैक हो सकता है एक ये पोजिशन से जहां पर अटैक हो सकता है या हम ये कहेंगे ये जो एक ग्रुप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये ओर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसी रिंग पर अटैक होगा और ये ओर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टाइप का होगा तो ओर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ओर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अटैक करा देंगे तो मेजर अटैक जो है वो पैरा पोजीशन पे होगा ओर्थो पोजीशन पे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से अटैक जो है वो कम होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रोडक्ट का वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि ये स्ट्रक्चर जो है हमें कहा नजर आ रहा है तो ये आपको ऑप्शन नंबर फोर में नजर आएगा सो दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी इजी क्लास एलेवेंथ में पढ़ते हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आप रिएक्शन को चेक करिए क्या है यहाँ पे तो इसका मेजर प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास में एक ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड को हम एक्वस एनोएच के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एक्वस जो है वो एक बेस है स्ट्रॉन्गली बेसिक टाइप थिंग और जो फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं तो ये जो है एसिडिक है तो सबसे पहले तो जो है सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हम करा लेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये हमारा सिंपल एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया है ये ओ माइनस बन गया है और ये जो है सी एस थ्री यहां पर लगाई रहेगा अब जो ये प्रोडक्ट बन गया इस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा ओ माइनस बन गया ये न्यूक्लियोफिलिक है और जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है उसके अंदर ये यहां पे प्लस और ये माइनस है तो इसका मतलब इसके अंदर ये जो सी एस थ्री वाला जो पार्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है तो ऐसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वन इज न्यूक्लियोफ्लिक विच वन इज इलेक्ट्रोफ्लिक और आइडेंटिफाई करके जो है हम उसको आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस न्यूक्लियोफ्लिक ओ का इलेक्ट्रोफ्लिक सी एस थ्री माइनस सी एस थ्री प्लस पर अटैक हो जाएगा और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये मिथॉक्सी टोलोइन जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए और कोई यहां पे जो है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं है और कुछ नहीं हो सकता है तो ये ऑर्थोमिथोक्सी टॉलविन जो गिवन है मैं स्ट्रक्चर नंबर ऑप्शन नंबर थ्री में गिवन है तो इस टाइप से जो है आपका ये जो स्लाइड है इसके अंदर ये क्वेश्चन जो है पूरा हो गया तो ये मैंने जो है टेंथ जनवरी इवनिंग शिफ्ट के जो भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन किया है आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए और कुछ कमेंट्स अगर आपके हैं तो वो लिखिए कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो दीजिए मोस्ट वेलकम योर सजेशंस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो